एम्प्लॉय हैप्पीनेस पे काम नहीं हो रहा, कल्चर पे काम नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट पे काम नहीं हो रहा, तो पीपल विल कम स्टे एंड गो अवे। किसी भी स्टैक में परमानेंट या लाइफ टाइम पैसा नहीं है। आप कैंडिडेट को चांस दें बोलने का, उसको वो एनवायरनमेंट दें जिसमें वो बात कर सके। तो 3 दिन के बाद उनका रिप्लाई आया, जी वो मेरी मामा ने कहा है कि ये जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे ना जाएं। आप जॉब ऑफर ले लेते हैं तो आप एटलीस्ट वहाँ पे ज्वाइन करें। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास इस टाइम 4 जॉब ऑफर्स हैं जो मैंने एक्सेप्ट कर ली हुई हैं, बट एट द टाइम वो 4 ज्वाइन नहीं कर सकता, वो एक ज्वाइन करेगा। अब वो जिन 3 को ज्वाइन नहीं करेगा उनका क्या हाल होगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही बिकद्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों हमें ये फीडबैक मिल रहा था कि कोई ऐसा सेशन प्लान करें जिसमें कि कोई ऐसा रोड मैप डिस्कस करें कि अगर कोई बंदा टेक में, जी हाँ सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब हासिल करना चाहता है, टेक्निकल जॉब हासिल करना चाहता है, तो वो किस तरह से हासिल करे, क्या उसके लिए डिग्री इम्पॉर्टेंट है, क्या उसके लिए स्किल इम्पॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है अज़नान खोकर को। अज़नान खोकर इज़ करंटली वर्किंग एज ए मैनेजर एचआर एट द लिन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आइए मिलते हैं अज़नान खोकर से, जो कि एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के हेड ऑफ एचआर हैं, और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच अज़नान खोकर फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूनिक है। यूनिक इन अ सेंस कि जो लोग टेक सेक्टर में आना चाहते हैं और अपना करियर टेक में स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी स्किल्स के ऊपर हम बात करेंगे। अदनान, हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी कामयाबी की, सक्सेस स्टोरी। माशाल्लाह, यू हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन एचआर और पर्टिकुलरली इन अ टेक सेक्टर। काफ़ी इदारों में आपने काम भी किया, बड़े बड़े इदारों में काम किया। तो भाई, जो एचआर में आना था या बाय चांस था या बाय चॉइस था? बाय चांस कह सकते हैं इसको, बाय चॉइस नहीं था। आई स्टार्टेड माय करियर विद अ टेक्सटाइल ग्रुप, ZTM ग्रुप, देन आई मूव टू जायका, दैट इज़ इंटरनेशनल NGO। सो वहाँ पे जो मेरे चीफ एडवाइज़र थे जायका के, जो हेड थे हमारे लाहौर प्रोजेक्ट के, मिस्टर UG कुरुकावा, वो मेरे मेंटोर भी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ें, आगे स्टडी करें ना। तो मैं गांव से आया था, सिंपल मतलब FSC की हुई थी मैंने, और देन ग्रेजुएशन थी। सो उनके कहने पे मैंने एडमिशन लिया, MBA किया HR में, फिर सर्टिफिकेशंस की HR में। और जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, वहाँ पे मेरी वो प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स होती गई, जिसकी वजह से मैं HR में आज बैठा हूँ। ग्रेट, वंडरफुल। तो माशाल्लाह, काफ़ी बड़े इदारों में आपने काम भी किया। अच्छा, हम टॉपिक पर जरूर डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ आवर फॉलोअर, दैट द पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, कि टेक में खाली रिक्रूटमेंट ही क्यों देखी जाती है, बाकी जो एरियाज़ हैं इन पे क्यों नहीं काम किया जाता? बाकी एरियाज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिक्रूटमेंट के अलावा। अगर आप बात करें OD की, PMS की, मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर आप रिक्रूटमेंट जितनी मर्जी कर लें, आप ज़ीरो पे हैं। अगर आप प्रॉपर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन नहीं कर रहे, तो लोग वहाँ पे आएंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने स्टे करेंगे। OD पे काम नहीं हो रहा, एम्प्लॉय हैप्पीनेस पे काम नहीं हो रहा, कल्चर पे काम नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट पे काम नहीं हो रहा, तो पीपल विल कम स्टे एंड गो अवे। मतलब 6 महीने में आपको अगेन सारा फ्लोर नया नज़र आएगा वहाँ पे। तो अगेन रिक्रूटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नया आता है, कोई डिमांड आती है, प्रोडक्ट में चेंज आता है, तो आपको बल्क में हायरिंग लोग चाहिए होते हैं, जो कि पाकिस्तान में इस टाइम इवन वर्ल्ड लेवल पर बहुत मुश्किल काम है। और इसके लिए टीम्स आपने हायर की होती हैं, स्पेशल आपके हेडहंटर्स लगे होते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपने हायर की होती हैं, तो 4-5 लोग मिल के एफर्ट कर रहे होते हैं, तो एक बंदा आ रहा होता है। अब उस बंदे को रोकने के लिए आपको जो सिस्टम चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, जिसकी वजह से उसने वहाँ पे स्टे करना है। फिर आजकल हाइब्रिड कल्चर है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, तो लोग ऑन साइट जॉब्स प्रेफर नहीं करते। मतलब लोग यहाँ पे बैठे हैं, दुबई की कंपनीज में काम कर रहे हैं, अमेरिका की कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो दे प्रेफर के जी घर में एक सेटअप बनाया हुआ, तो वो चाहते हैं कि हमें अब घर पे काम दे दें, क्योंकि एज एम्प्लॉयर हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम उनको उस तरह से मॉनिटर नहीं कर पाते। इवन ऑफिस में मॉनिटर करना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो घर पे हम कैसे करें? क्रेज। अच्छा नान, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर कोई अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, मतलब सॉफ्टवेयर
इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या उसको रोड मैप जो है वो उसको अपनाना चाहिए कि वो टेक की तरफ आए और आके मतलब सक्सेसफुल हो जाए? सबसे पहले तो उसकी जो बेसिक डिग्री है, दैट इज़ लाइक BScS BCS उसने किया हुआ, कंप्यूटर साइंस में उसकी डिग्री है। उसके बाद लोगों को पता नहीं होता कि करना क्या है, किस टेक्नोलॉजी में आना है। CV बना लेते हैं, वो जॉब फेयर्स में जाएंगे, रैंडम डेली 50 इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा होता उनको। डायरेक्शन नहीं होती, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेच्योरिटी नहीं है। उसमें मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना सबसे पहले अपना एक डोमेन, एक फील्ड सेलेक्ट करें, टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करें, आपने क्या काम करना है, किस में करना है। फिर आप उससे रेलिवेंट एक सर्टिफिकेशन लें, शॉर्ट सर्टिफिकेशन ले लें, 2 वीक्स की, 2 मंथ्स की, 4 मंथ्स की, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, घर बैठे आप कर सकते हैं। लिंक्डइन करवा रहे हैं, बहुत से इदारे करवा रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेशन के बाद आपको ये एज मिलता है कि एम्प्लॉयर के पास कोई चॉइस नहीं होती आपको रिजेक्ट करने की, कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर लारावेल में आना है तो आपने BScS किया हुआ है, साथ आपके पास सर्टिफिकेशन है बेसिक लारावेल की, चाहे बेसिक फाउंडेशन लेवल की हो, तो आप इजीली इन हो जाएंगे, आपको अपने MTO प्रोग्राम में इन कर लेगा। सेम आपने नोड में आना है, आपने एंगुलर में आना है, किसी भी टेक्नोलॉजी में आना है, आपने नेटवर्किंग में काम करना है, इफ़ यू आर सर्टिफाइड नेटवर्क CCNA ने किया, आपने सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल है, तो आप पहले इंटरव्यू में बगैर किसी प्रॉब्लम के आप सेलेक्ट हो जाएंगे और आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेट। अच्छा नाम, एक और बड़ा पर्टिकुलर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ कि जब भी आपने बताया कि डिफरेंट स्टैक्स जो हैं वो आ रही हैं, कैसे एक फ्रेश बच्चे को पता चलता है यार कि नहीं यार, मेरे लिए मर्न जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए लारावेल इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए ROR इम्पॉर्टेंट है, या डिफरेंट जो भी टेक्निकल स्टैक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि मैंने ये देखा है कि होता ये है कि अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम ये फील होता है कि यार अगर मेरे कज़न ने मर्न इंजीनियर है या मेरा कज़न ROR इंजीनियर है, उसको इस लैंग्वेज का पता है इंजीनियर का, तो मैं भी वो कर देता हूँ, ये ठीक है। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी है, दैट इज़ कि पैसा यार, जिस स्टैक में पैसा आ रहा है ना उसके ऊपर काम करें। तो आप क्या समझते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, उसको पता चले कि यार ये वाला स्टैक मेरे लिए बेहतर है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें मैं ये कहूँगा कि बेसिकली किसी भी स्टैक में परमानेंट या लाइफ टाइम पैसा नहीं है, चेंज होता है। आप एक साल आज आप नोट के प्रोफेशनल हैं, आप 5 लाख कमा रहे हैं, छठे साल नोट ज़ीरो पे, एक नई चीज़ आ जाएगी उसको पिक कर लेगी। तो लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अपने इदारे में लर्निंग करवा रहे होते हैं, आफ्टर 1 ईयर हम उनको चांस देते हैं आप ये सर्टिफिकेशन करें, आप इस टेक्नोलॉजी में आएँ। तो जब आप अभी आप 1 in 1 है, जब आप 3 in 1 हो गए, आपके पास 3 एक्सपर्टीज़ हैं, 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल पे, आप टीम लीड लेवल पे, आप लाइन मैनेजर लेवल पे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर लेवल पे आप आ सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को अगर आपने ग्रो करवाना है, इंडस्ट्री के साथ चलना है, अपने ट्रेंड्स के साथ, तो आपको लर्निंग कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए आपकी ना। और पैसे की आपने बात की, किस ट्रैक में पैसा है, कैसे पता चलेगा एक स्टूडेंट को, फ्रेश को, या जो काम कर रहा है, बड़ा ईजी है। पाकिस्तान में फेमस टॉप जॉब वेबसाइट्स हैं, 7-8 उन पर जाएँ, टॉप पे देखें IT की जॉब्स कौन सी आ रही हैं, सबसे ज़्यादा आपको जो जॉब्स नज़र आ रही हैं, डेजिग्नेशन नज़र आ रहे हैं, उनकी आप सैलरी स्लैब्स देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। आप एक्सपर्ट राय लें, आप SMEs जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, टॉप IT प्रोफेशनल्स हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनसे मिलें, देखें, तो ये दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट आपको इजीली नज़र आ जाता है। बट ये कि लर्निंग, आप जो भी हैं, आप जिस लेवल पे भी हैं, आपको चेंज होना है। 2 ईयर 3 ईयर आप जीरो पे होंगे, तो साथ आपने अपने आप को नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करते रहना, अपग्रेड करते रहना। जिस तरह आपने बताया कि सॉफ्टवेयर की भी एक्सपायरी होती है, इस तरह नॉलेज की भी एक्सपायरी होती है, तो आपने अपने आप को अपग्रेड जो है वो करते रहना है। वेरी वैलिड पॉइंट, बिल्कुल ठीक। अच्छा अनंत, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान करें तो हमारे एक फॉलोवर हैं, उनकी तरफ से एक क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन ये था कि सर क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिग्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेक में एंटर होने के लिए या स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? मैं क्वेश्चन को इस तरह रिलेट करूँगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि मैंने FA किया हुआ है, लेकिन मेरे पास स्किल्स हैं, मैं समझता हूँ डिफरेंट स्टैक्स पे, क्योंकि फ्रीलांसिंग का आपको पता है काम चल रहा है डिफरेंट जगहों पे, तो लोग जो हैं वो डिफरेंट पोर्टल्स पे अपने अकाउंट बना के वहाँ पर वो अपनी मतलब टेक्निकल काम स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक दैट अ डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट और द स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट? मेरे ख्याल में दोनों इम्पोर्टेंट है। सिर्फ स्किल के साथ भी आप ग्रो नहीं कर सकते, आप उस लेवल पे नहीं जा सकते जिस पे आपको होना चाहिए, और सिर्फ डिग्री के साथ भी आप कुछ नहीं कर सकते। लाइक हज़ारों डिग्री MPhil लोगों ने किया हुआ है और अभी वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, और कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने सिंपल ICS किया होता है, अभी BCS कर रहे हैं और वो 5 लाख 6 लाख कमा रहे होते हैं, साथ उनको गाड़ी मिली होती है। तो दिस इज़ कि आपको डिग्री के साथ साथ स्किल भी चाहिए। सिर्फ स्किल आपको
एक सर्टेन लेवल पे लेकर नहीं जा सकती। उसके लिए आपके पास अगर, जो पहले भी मैंने अगेन एक लाइन मैंने कही थी उसके साथ मैं नरेट करूँगा कि आपके पास अगर डिग्री है तो आप जिस स्टैक में ग्रो करना चाह रहे हो आप उसकी सर्टिफिकेशन करें, सीखें उसके बारे में, देन आप उस लेवल पे हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है और डिग्री नहीं है और एक्सपीरियंस है तो आप फ्रीलांसर, तो आप कुछ कमा लेंगे, बट फ्रीलांसर अगर USA में बैठा है, UAE में बैठा है, मलाइशिया में बैठा है, वो किस बेस पे आपको काम देगा? सिर्फ आपके स्टार्स में देखेगा ना, वो आपकी प्रोफाइल देखेगा। आपने अगर, आपके पास रेलिवेंट एजुकेशन ही नहीं है, रेलिवेंट एक्सपर्टीज़ नहीं है, सिर्फ स्किल की बेस पे आपको एक बार वो काम देगा, दो बार देगा, तीसरी बार आपको थोड़ी सी भी परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो वो कहेगा यार ये तो बंदा रेलिवेंट नहीं है। तो बैलेंस होना चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा माशाल्लाह इतने इंटरव्यूज़ आप करते हैं, माशाल्लाह इतना करियर है, टेक्निकल लोगों के साथ आप इंटरव्यूज़ करते हैं और कोऑर्डिनेशन भी आपकी रहती है, कोई ऐसा मज़ेदार एक्सपीरियंस, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो हम, आप हमारे फॉलोवर्स से शेयर करना चाहें कि यार ये इंटरव्यू किया तो बहुत फ़नी सी सिचुएशन आ गई तो उसको फिर कैसे हैंडल किया? यस, काफ़ी होते हैं, ऑलमोस्ट मंथ में 2-3 केस ऐसे हो जाते हैं। तो 2 केस हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो आई वॉज़ वर्किंग विद अ चाइनीज़ अपैरल ग्रुप, उसमें इंटरव्यू किया था मैंने, तो एक कैंडिडेट थी, तो CV देखा मैंने, एक्सपीरियंस देखा, चीज़ें देखी, सो शी वॉज़ कन्फ्यूज। मैंने कहा उनको रिलैक्स करने के लिए, मैंने कहा चले बताएं आपको इसके अलावा क्या आता है। मैंने कहा जी मुझे सिंगिंग आती है, मैं गाना बड़ा अच्छा गाती हूँ। मैंने कहा वाकई? उसने लिखा भी हुआ था CV के ऊपर। मैंने कहा चले गाना सुनाएं। तो उन्होंने अपना एक फेवरेट जो भी उनका वो तैयार था गाना जो वो रूटीन में गाती थी वो उन्होंने सुनाया और हम 5-6 लोग बैठे हुए थे, हमने सुना एंड शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट और इन्जॉय किया हमने। और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया एंड शी वॉज़ सक्सेसफुल और वो सिलेक्ट हो गई। लाइक दैट मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आप कैंडिडेट को चांस दें बोलने का, उसको वो इन्वायरमेंट दें जिसमें वो बात कर सके। मसलन एक बंदा आपके पास आ रहा है 20 किलोमीटर दूर से और आप आते ही उससे वो 2-4-5 जो रूटीन के सवाल होते हैं आपने पूछने होते हैं, उससे पहले आप उसको रिलैक्स होने का मौका दें कि वो बोल सके वो जिस काम के लिए आया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज़, अभी रिसेंटली हुआ है, एक कैंडिडेट आई मेरे पास और शी वॉज़ लुकिंग फॉर जॉब। उन्होंने अप्रोच किया मुझे, लोग अप्रोच जैसे आपको कर रहे होते हैं, आप हमें फॉरवर्ड करते हैं, लोग रेफर करते हैं। तो शी सेट के जी मैं काफ़ी तंग हूँ अपने एम्प्लॉयर से तो मुझे स्विच करना है। सेट वेलकम, आप आएँ, मेरे पास अभी सीट भी अपॉर्चुनिटी है तो मिलते हैं, बात करते हैं। तो आई उनसे डिस्कस किया एंड शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। ऑफिस देखा उन्हें, बड़ा पसंद आया उनको सेटअप, लोकेशन मज़े की थी। शी सेट ओके, इंटरव्यू पास कर लिया उन्होंने। तो मैंने कहा जी ये देख रहे हैं ये लोकेशन है, यहाँ से आप जाना तो कैसे आप मैनेज करोगे? शी वॉज़ वेरी वेरी एक्साइटेड। शी वॉज़ सेइंग कि कोई इशू नहीं, मैं तो सुबह से आ जाऊँगी, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ उससे काफ़ी नज़दीक है ये, ट्रांसपोर्टेशन भी कोई इशू नहीं, आई विल मैनेज। सो मैंने उनकी मीटिंग करवाई अपने CEO के साथ एंड CEO ने भी सेम क्वेश्चन किया कि बीइंग अ फीमेल सिर्फ ये एक इशू आता है तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो उन्होंने हमें सेटिस्फाई किया अपने आंसर से। सो मैंने उनके घर पहुँचने से पहले उनको जॉब ऑफर ईमेल कर दी। अब जॉब ऑफर ईमेल करने का मकसद ये था कि कल सुबह वो ज्वाइन करेंगे हमें, और उसके बाद 2 दिन उन्होंने कॉल करने की मेरी। दिस वॉज़ वेरी वंडरफुल, वेरी यू कैन से एक हैरान कन था मेरे लिए कि क्या कैसे हुआ है कि इतनी दूर से एक बंदी आई, एक्साइटेड थी, ज्वाइन करना जा रही थी। सो 3 दिन के बाद उनका रिप्लाई आया जी वो मेरी मामा ने कहा है कि ये जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप यहाँ पे ना जाएँ। तो फिर खैर हम कुछ कह भी नहीं सकते फीमेल्स को, बट मेरा इन लोगों के लिए मैसेज है कि आप जब किसी जगह पे, स्पेशली IT सेक्टर में ऐसे होता है, आप कोई जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, आप डिस्कस करते हैं, आप बात करके आते हैं और आप जॉब ऑफर ले लेते हैं तो आप एटलीस्ट वहाँ पर ज्वाइन करें। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं वो कहते हैं जी मेरे पास इस टाइम 4 जॉब ऑफर्स हैं जो मैंने एक्सेप्ट कर ली हुई हैं, बट एट द टाइम वो 4 ज्वाइन नहीं कर सकता, वो एक ज्वाइन करेगा। अब वो जिन 3 को ज्वाइन नहीं करेगा उनका क्या हाल होगा? लाइक एट द डे ऑफ ज्वाइनिंग दे विल बी वेटिंग, दे विल बी कॉलिंग, ये कर रहे होंगे ना, एक महीने की मेहनत है पीछे, इंटरव्यूज़ हैं, CVs हैं और कोई 50 इंटरव्यू हुए होंगे, 3 फाइनल इंटरव्यू हुए, एक बंदा पसंद आया उनको, वो नहीं आ रहा। सो ये हमारे लिए बीइंग HR प्रोफेशनल बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो इस पर हमें चाहिए कि थोड़ी सी अपनी प्रोफेशनलिज्म इस चीज़ में दिखाएं कि हम जो बात करें वो सोच के करें, कमिटमेंट करें, सोच के करें, देन उसको फुलफ़िल करें। क्योंकि HR जो प्रोफेशनल्स हैं इनसे आपने कभी ना कहीं कहीं ना कहीं मिलना है अगेन, किसी और इदारे में वो बैठे होंगे HR हेड, आप फिर वहाँ पे आएंगे तो फिर वो एक अच्छा आपका वो रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा वहाँ पे। ग्रेट वंडरफुल। एनी फाइनल वर्डिक्ट अबाउट कासिम मलेशिया फाउंडेशन प्लीज़ गो अहेड। जी आपके काफ़ी मैं LinkedIn पे, आपके YouTube चैनल पे वीडियोस देखता रहता हूँ, इवन कासिम शाह साहब पे जो स्टेटस हैं वो हम अक्सर अपने वो मोटिवेशन के लिए यूज़ करते हैं, ऑफिस में दिखा रहे होते हैं अटेंडेंस के अंदर। सो
एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने अभी जो सर्टिफिकेशन स्टार्ट की है एचआर की, सीएचआर की, सर्टिफाइड एचआर प्रोफेशनल। सो आई वुड रिकमेंड कि जितने भी एचआर के जो फ्रेशर्स हैं, जो लोग अभी बीबीए एचआर कर रहे हैं, एमबीए एचआर कर रहे हैं, वो यहाँ पे आएँ, ज्वाइन करें, सीखें। और ये एक एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो अगेन सबसे पहले मैंने एक बात की थी कि इंटरव्यू में बगैर किसी मुश्किल सवाल के, मुश्किल टेस्ट के आपको जॉब पे बिठा देगी। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि जी आप क्या कर गए हैं। सो दिस इज़ अ टैग विद योर सीवी, एक लोगो आपके सीवी पे आ जाएगा और आप नेक्स्ट डे से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं कैरियर स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच अदनान फॉर योर टाइम, सपोर्ट एंड लव। यू वर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन। जज़ाकअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। अदनान खोकर जो कि मैनेजर एचआर हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के, ये हमारे साथ थे। इन्होंने हमें बताया कि जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, टेक में, वो अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा स्टैक जो है वो बेहतर है, किस स्टैक को ये अपना के बेहतर तरीके से मार्केट में इन रह सकते हैं। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।